आज हम एनोटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एनोटेशन क्या होता है और यह किस प्रकार काम करता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं तो जावा में इसकी एनोटेशन की डेफिनेशन है। जावा एनोटेशन इज अ टैग दैट रिप्रेजेंट द मेटा डेटा अटैच विद क्लास इंटरफेस मेथड और फील्ड टू इंडिकेटेड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज बाय जावा कंपाइलर एंड जेवीएम। दैट मीन्स कि एनोटेशन एक टैग है जो कि कंपाइलर को कुछ इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि कंपाइलर डिसीजन ले सके कि क्लास में क्या हो रहा है, मतलब जो जावा प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम को हम इग्नोर करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। और जावा में कुछ बिल्ट इन एनोटेशन होते हैं, एक होता है ओवरराइड एंड सेकंड सप्रेस वार्निंग एंड थर्ड इज डिप्लीकेटेड। तो इन तीनों को हम देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इनके लिए हम प्रोग्राम बना रखे हैं तो हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं और इनमें पता चलता है हमें कैसे क्या चल रहा है। तो हम फर्स्ट ओवरराइड एनोटेशन को देखेंगे। तो हमने यहाँ एक क्लास बनाई है रेड नाम से, जिसके अंदर हमने फंक्शन बनाया है कलर या मेथड कहते हैं जिसे जावा में, और एक और क्लास बनाई है ब्लू जिसको हमने एक्सटेंड किया है रेड से, और अगली मेथड हमने कलर नाम से बनाई है जिसको हमने ओवरराइड किया है फर्स्ट वाली क्लास से। तो हम इसको रन करके देखते हैं। हमने ब्लू का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है और ब्लू में हमने कलर को कॉल किया है, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो हम इसको पहले कंपाइल करेंगे। रन करके देखेंगे क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें आउटपुट मिल रहा है, पर हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है वो पता नहीं चल रहा है और प्रॉब्लम ना ही कंपाइलर को पता चल रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन का प्रयोग करते हैं। तो इससे हमें दो फायदे रहते हैं, एक तो कि अगर आपके कोड में कोई अदर प्रोग्रामर काम करता है तो उसे पता रहता है कि ये मेथड ओवरराइड हुई हुई है, और सेकंड यह है कि कंपाइलर को पता रहता है अगर इसमें कोई माइनर मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है, जैसे कलर और कलर में मिस्टेक है, तो यहाँ पर उस कंपाइलर को पता चल जाए कि मेथड ओवरराइड हुई हुई नहीं है। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है कि मेथड डज नॉट ओवरराइड, मतलब कि यहाँ कंपाइलर को पता चल चुका है कि मेथड ओवरराइड हुई है या नहीं हुई। ओवरराइड मेथड का मेन यूज यही होता है कि कंपाइलर को बताना कि ये मेथड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सेकंड हम सप्रेस वार्निंग एनोटेशन के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक मेन मेथड बनाई है जिसके अंदर हमने अरे लिस्ट बनाई है और उसमें तीन एलिमेंट ऐड किए हैं और उनको हम फॉर ईच लूप की मदद से प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे जो वार्निंग आ रही है जैसे कि यूज अनचेक और अनसेव ऑपरेशन, ये हमें एरर क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अरे लिस्ट पढ़ी है। तो यहाँ पे हम जेनरिक का यूज करते हैं जहाँ हम बताते हैं कि डेटा टाइप, यहाँ पे किस प्रकार का डेटा रखा है हमने अरे के अंदर, वो डाटा स्ट्रिंग टाइप में हो सकता है या इंटीजर टाइप में हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ये यूज नहीं करते तो इस प्रकार की अनचेक वाली जो एरर आती है, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं या तो हमें इसे को सही तरीके से लिखना होगा या इसके लिए हम सप्रेस वार्निंग, मतलब ये वार्निंग को सप्रेस कर लेता है। तो इसके लिए हम इसका इस एनोटेशन का यूज करके देखते हैं। और हम इसमें ये बताते हैं कि ये वार्निंग किस प्रकार की है जो हमें सप्रेस करनी है। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं, देखें अब क्या हमें एरर देखने को मिलती है।
ये देखिए, अब प्रोग्राम हमारा इजीली चल गया और हमें एरर भी नहीं मिली। यहाँ सप्रेस मोडिंग का भी मेनली काम यही होता है। अब हम डुप्लीकेटेड एनोटेशन को देखेंगे। इसके लिए हमने एक क्लास एफ नेम से क्लास बनाई है और इसमें हमने दो मेथड बताई हुई है और हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम दोनों मेथड को कॉल करते हैं। डुप्लीकेटेड एनोटेशन का यूज हम किसी मेथड को यूजर को ना यूज करने के लिए, जैसे कि हम यहाँ अगर सेकंड वाली मेथड मेथड बी को अगर डुप्लीकेटेड बनाते हैं तो यह मेथड यूजर द्वारा यूज नहीं की जा सकती। जैसे हमने यहाँ पे मेथड बी को भी कॉल किया है और हमने मेथड बी को डुप्लीकेटेड बनाया तो हमें कंपाइलर एरर शो करेगा। तो यहाँ हमें ओवरराइड डुप्लीकेटेड एपीआई ये मैसेज शो करता है। इसका मेनली यूज हमें यहाँ तब देखने को मिलता है जब हम किसी ऐप को बनाते हैं और उसमें हम जब उसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करते हैं और हम उसमें कोई मेथड ऐसी हमारे प्रोग्राम में होती है पर हम उसको ये चाहते हैं कि यूजर उसका यूज ना कर सके तो उसको हम डुप्लीकेटेड बना देते हैं ताकि जब भी यूजर उसको कॉल करता है तो उसको वहाँ उसको एरर शो हो जाता है। तो यहाँ हमारे तीनों एनोटेशन खत्म होते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।